अनुभव, जैसे एक कमरा हो, उस कमरे में बैठ जाए और ऐसा अनुभव करे कि मैं तो क्यों हूँ, ऐसा हूँ। और मेरे बहुत बड़े बड़े सिंह हैं, और एक सिंह तो इस कोने में फंसा हुआ है और दूसरा सिंह इस कोने में फंसा हुआ है, और मेरी गर्दन बहुत नाजुक है, तो यदि जरा भी हिलाऊंगा तो सिंह तो बहुत कड़क है और गर्दन नाजुक है, इसलिए सिंह जो है एकदम टूट जाएगी, ये गर्दन एकदम टूट जाएगी, क्योंकि सिंह जो है हटेंगे नहीं और गर्दन तो नाजुक है ना, तो गर्दन धड़ एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगी, गर्दन मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, तो वो बिल्कुल हिलता भी नहीं है, क्योंकि हिलेगा तो गर्दन टूट जाएगी। तो ऐसा बस भैसा भैसा तो कहते हैं जिनवाणी में लिखा है कि 6 महीने तो यदि कोई ऐसा अपने को भैसा भैसा मानता रहे तो सही में उसको ऐसा लगता है भैसा ही हो गया। फिर उसके लिए यदि दरवाजा भी खोल दो और कहो कि तू निकल जा, अरे मैं तो हिल ही नहीं सकता, कैसे ये करूँ, मेरे तो सिंह फंसे हुए हैं। तेरे कहाँ सिंह है? कि नहीं सिंह है एकदम फंसे हुए हैं और गर्दन टूट जाएगी। एक उदाहरण इसके लिए दूसरा बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे उन्होंने, कि जो ट्रक चलाता ना ट्रक, तो ट्रक ड्राइवर होते हैं, तो ट्रक ड्राइवर को चलाने की, ट्रक चलाने की इतनी हैबिट हो जाती है कि समझ लो कि वो स्कूटर चला रहा और छोटी सी गली हो खड़ा जाए, इसमें से ट्रक कैसे निकलेगा, अरे इसे तू निकलना इधर देखे साइड की नहीं निकल नहीं सकती। तो वो यूँ देखा जाए तो उनके तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बस इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी है तो वो निकलती नहीं गाड़ी उनकी, अटक गई। लोग पाँव पाँव बजा रहे हैं, भैया निकलना तू, कि निकलू कैसे, साइड ही नहीं मिल रही है। अब साइड कहाँ से भी लेके आए उसके लिए, साइड नहीं मिल रही है, लेकिन तेरे साइड तो तेरे जितनी होती है ना, ऐसी स्थिति है ये। जिस चीज का अभ्यास होता है ना, अभ्यास होते 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 आदमी उसको हर चीज ट्रक ही ट्रक दिखती रहती है उसको, तो ऐसे ही जीव को ऐसा अनादि का अभ्यास है कि इसको परद्रव्य में ऐसा लगता है कि यही मैं हूं, अभ्यास हो गया इसको बहुत काल से, लंबे काल से, तो लंबे काल से ऐसा अभ्यास होने से ये देह है सो ही मैं हूं ऐसा इसको पक्का अभ्यास हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि इस अभ्यास को तोड़ने के लिए 6 महीने का अभ्यास करने की जरूरत है। कैसा? 6 महीने का उल्टा अभ्यास। अभी ये तक तो अभ्यास बहुत किया अपन, ये ना उल्टा अभ्यास करे 6 महीने तक, देह और आत्मा की भिन्नता का अभ्यास करे तो वो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उल्टा ही उल्टा रहेगा जी। यदि अपन अब तक यदि उल्टे चले हैं तो जिनवाणी इतनी बढ़िया तरह से समझाती है कि उससे जीव अपनी अनादिकालीन विपरीत मान्यता भी छोड़ सकता है। क्या? भैसे का यदि अभ्यास हो जाए तो, भैसे का अभ्यास हो जाए तो कोई बात नहीं, छह महीने का यदि अभ्यास है तो अपन कहेंगे अब एक काम करो, 1 साल का ही अभ्यास करो। वो तो 6 महीने के अभ्यास में यदि आदमी भैसा अनुभव कर सकता है तो क्या 6 महीने के अभ्यास में जीव अपने को आत्मा अनुभव नहीं कर सकता कि मैं आत्मा हूं, जबकि वो तो है, भैसा तो मान रखा है, समझ में आया? तो उल्टा उतना पुरुषार्थ होना चाहिए। अनादिकाल से यदि ये पुरुषार्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनादिकाल से विपरीत यदि अपनी मान्यता चली आ रही है कि भाई मैं देह हूँ सोई मैं हूँ, तो इसको जिनवाणी के वज्र प्रहारों से इसको तोड़ा भी जा सकता है। निरंतरता यदि हो लगातार तो ये टूट सकता है। अभी अपने साथ क्या होता है, अपन 1 घंटे यहाँ सुनते हैं, समझते हैं, सब करते हैं और बाहर जाते हैं, सब ऐसे कैसे, फिर सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर वैसे ही जाते हैं। तो अपन जैसे 1 कदम बढ़े 4 कदम फिर पीछे आ गए, फिर 1 कदम बढ़े 4 कदम फिर पीछे आ गए, तो आखिरी में क्या होगा, आगे बढ़ेंगे कि पीछे? पीछे ही। जैसे हम 1 कदम रोज आगे बढ़ते हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ते हैं उससे कहीं अधिक पीछे आ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी में। अब निरंतर अभ्यास हो इस बात का, मैं तो अनादिकाल के मोह को तोड़ने के लिए मैंने कमर कस ली, जैसे उसमें लिखा है प्रवचन सार में कि मैंने इस मोह का नाश करने के लिए कमर कसी है,
तो ऐसे कोई कमर कस ले, ये ठान ले कि मेरे को तो यही काम करना है, तो कोई दूर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है मोह का अभाव करना। लेकिन ये कमर कसने के लिए, कमर ठानने के लिए तैयार नहीं होता, ये तो इसको इतनी हल्के रूप में लेता है कि ठीक है हो जाए सम्यक दर्शन तो ठीक है, और नहीं हो तो भी क्या है, देव गति तो चले ही जाएंगे अपन, काम दूसरी कोटि गति में जाएंगे, भोग भोग लेंगे वहीं पर, देखेंगे क्या है, वहाँ हो जाएगा, वहाँ भी नहीं होगा तो कहीं भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसको इतनी गंभीरता नहीं मालूम है उसको कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए इसको जीव को वो गंभीरता नहीं भाषित होने से ही उसका अभ्यास नहीं करता, और अभ्यास नहीं करता तो देह में से एकत्व का मोह इसका दूर नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं। एक ध्यान भूताविष्ट का उदाहरण दिया, ध्यानाविष्ट का, ध्यानाविष्ट मैंने कोई ध्यान में बैठा है और ध्यान में अपने कुछ मान के बैठ जाए क्या कि ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो कहते हैं जैसा वो विचार करता है वो उस रूप परिणमने लगता है, वैसे ही अपने को अनुभव में लगता है। तो ऐसे इस जीव ने अपने को देह रूप अनुभवा है तो इसलिए अपने को देह रूप मानता है, अब उल्टा काम करे तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो अगला, ये हो गया दोहा, करोड़ों उपाय बनाकर हे भव्य उस स्वप्न के विवेक को तो अपने हृदय में धारण करो। इसका अर्थ आप देख लोगे कि मैं पढ़ू यहाँ पे, देख लोगे ना, देख लोगे घर पे टाइम मिलेगा कि पढ़ू यहाँ है, कितने लोग कह रहे हैं कि पढ़ू मैं, चलो पढ़ लेता हूँ। दो लाइन तो अपन ने पढ़ी ली थी आगे, उस समय ज्ञान का कारण आत्मा और परवस्तुओं का भेद ज्ञान कहा है। किस समय ज्ञान का, जो समय ज्ञान की चर्चा चल रही है उसका कारण कौन है, सौ पर का भेद ज्ञान, आत्मा और परवस्तु का भेद ज्ञान कहा। इसलिए हे भव्य जीवो करोड़ उपाय करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। भावार्थ, धन संपत्ति परिवार नौकर चाकर हाथी घोड़ा तथा राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते, यही देखते हैं अपन कि आत्मा को क्या सहायता देते, कुछ किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, अनंत काल तक रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है, चलायमान नहीं होता। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस समय ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। मतलब पूरी स्टेज दी इन्होंने, तास ज्ञान को कारण सफर विवेक बखानो है, और सफर विवेक बखानो उसके बाद में क्या लिखा, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको रानो, उस सफर के विवेक को करोड़ों उपाय बनाकर भी अपने हृदय में धारण करो। अब आगे और देखो उसकी महिमा कहते हैं, सम्यक ज्ञान की और महिमा और विषय इच्छा रोकने का उपाय, दो बात है इसके अंदर, सम्यक ज्ञान की महिमा और विषय इच्छा रोकने का उपाय। विषयों की इच्छा, पांच इंद्रियों की विषयों की इच्छा उत्पन्न होती ना अपने को, ये देखना है ये खाना है ये सुनना है, सबको होती होती कि नहीं होती, टीवी देखना है, अच्छी चीज़ें भी खाना है, गाने भी सुनना है, तो कहते हैं इन विषयों की इच्छा रोकने का उपाय क्या है, वो उपाय यहाँ बताते हैं। जे पूरब शिव गए जाही अरु आगे जे हे, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हे, विषय चाह दव दाह जगत जग अर निद जावे, तास उपायन आन ज्ञान ज्ञान। जे पूरब शिव गए, जो पूर्व में मोक्ष जीव गए और जाही माने जा रहे हैं, अरु आगे जे है और आगे जो भी जाएंगे, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे, वो सब किसकी महिमा है, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की महिमा। सम्यक ज्ञान का ही तो प्रभाव रहेगा, जिसने सौ पर को भिन्न भिन्न जाना तो सौ पर भिन्न भिन्न उसके हो गए, और मोक्ष में अनंत काल तक वो अकेला विराजमान हो, पर भिन्न हो गया सौ भिन्न हो गया, पहले सौ पर को भिन्न भिन्न जानेगा तो ही सौ पर भिन्न भिन्न होंगे,
बिना जाने हो सकते क्या? स्वाभाविक चीज है ना। तो इसलिए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या? मोक्ष की प्राप्ति का उपाय स्वर पर को भिन्न भिन्न जानना, क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष स्वर पर की भिन्नता है, तो उसका उपाय भी क्या होगा? स्वर पर को भिन्न भिन्न जानना। तो कह रहे हैं जितने जीव पहले शिव गए मोक्ष गए जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो सब इस एक सम्यक ज्ञान के प्रभाव से जा रहे हैं, जाएंगे और गए। सब समय ज्ञान की महिमा है। सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब किसकी महिमा है? ज्ञान की, और किसी चीज की महिमा नहीं। तो क्या गजब बातें हैं। मैंने जितने जीव आज तक मोक्ष गए हैं वो आगे जाएंगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इन सबको ये सब एक ज्ञान के कारण से जा रहे हैं। मैंने पूरा पूरा श्रेय किसको मिल गया यहाँ पे? ज्ञान। ये ज्ञान ही है जो कि मोक्ष का कारण है तीनों काल में, अभी वर्तमान में ही नहीं, तीनों काल में यदि मोक्ष का कोई कारण है तो एकमात्र कौन है? सम्यक ज्ञान। सो सब महिमा ज्ञान तनि, किन्ने कही है आप? पंडित जी दौलत राम जी आप कह रहे हो ऐसा? मुनि नाथ कहे, मुनियों के नाथ कौन है? अनंत भगवान। ये बात अनंत भगवान ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में, चार ज्ञान के धारी गंधर्व देव की उपस्थिति में समूह शरण में कही है ये बात। इसको हल्की फुल्की मत लेना, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है। क्या बात? कि जितने जीव तीन काल में जीव मोक्ष जाते हैं वे सब ज्ञान के प्रभाव से जाते हैं, बिना ज्ञान के कोई भी मोक्ष जा सकता नहीं। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो क्या करो? ज्ञान करो अच्छे से। और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि जो गए हैं वो इसी कारण से गए हैं, जो जा रहे हैं वो इसी जीवन से जा रहे हैं, जो जाएंगे वो इसी कारण जाएंगे। तो तुम भी जाओगे तो तुमको एक ही उपाय है, तुम भी ज्ञान करो, वेद विज्ञान करो। वेद विज्ञान के लिए तत्व का अभ्यास करो, तत्व अभ्यास के लिए जिनवाणी का अभ्यास करो, और कोई उपाय है ही नहीं। ये हो गई बात। अब अगली लाइन में, अगली दो पंक्ति में दूसरी बात। विषय चा दवता जगत जन अरनिद जावे, विषय चा पांच इंद्रियों के विषयों की चा, दवदा के भयंकर दावानल है, विषयों की चा रूपी भयंकर अग्नि है। दावानल होता है जंगल में लगती आग, पूरे जंगल को खत्म कर देती, सैकड़ों किलोमीटर के जंगल पूरे ऐसे जैसे जल जाते हैं, खटाम रेगिस्तान हो जाता है। तो विषयों की चार रूपी अग्नि भी ऐसी भयंकर है, सब खत्म कर देती, जीव को विवेक समाप्त हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, कौन पूज्य है कौन अपूज्य है, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य, कोई विवेक नहीं रहता। ये भयंकर अग्नि है और सबको जला के रखती है, आदमी इस अग्नि को सहन नहीं कर सकता। लौकिक अग्नि को सहन कर सकता है लेकिन विषयों की इच्छा रूपी अग्नि उससे सहन नहीं होती, दुख है वो। मैंने आग का जितना जला हुआ दुख नहीं पाता है उससे ज़्यादा विषयों की चार रूपी आग से जला हुआ दुख पाता है। इसलिए विषयों की चार रूपी आग लौकिक आग से भी ज़्यादा खतरनाक है, दुखदायी है। कि नहीं है? अभी अपन किसी भी चीज़ की चाह उत्पन्न हो जाती है तो जब तक नहीं हो तो कितना दुख होता, तो चाह ही नहीं उत्पन्न होती तो सुखी रहते आराम से। कुछ चीज़ की इच्छा ही नहीं हुई, सहज सुखी इच्छा हो गई और बिना उसके बिना अपने को चेंज नहीं पड़ता है। और उसकी प्राप्ति के लिए पूरा उपाय करते रहते हैं, मिले 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 ये उपाय, दिमाग पूरा उसको लगाते। तो इसलिए उन्होंने कहा विषय चाह रूपी भयंकर दावा न ले, और जगत जन अरणि दजावे, जगत के जीवों को, जगत के जीव रूपी अरणी, अरणी माने जंगल, जगत के जीव रूपी जंगल को जला रहा है, माने संसार के सारे जीवों को ये जला रहा है, दुखी कर रहा है। कौन? विषयों की चार रूपी अग्नि, माने विषयों की चार रूपी अग्नि सारे संसार को जला रही है, अर्थात सारे संसार को दुखी किए हुए है। एक नहीं, हर आदमी दुखी है इससे। हर आदमी को पांच इंद्रिय के विषय चाहिए, उसकी इच्छा किसी की पूरी नहीं हो रही है, सबको और चाहिए और चाहिए, और भोगो और भोगो और भोगो और भोगो
तो अग्नि में घी डालो, डालते जाओ, खत्म ही नहीं होती। क्या ऐसी विषयों की चार रूपी अग्नि, कितने विषय डालो लेकिन ये चार खत्म ही नहीं होती, बढ़ती जाती है। बल्कि जो जो भोग और मिलते हैं त्यों और चाह उसकी बढ़ती जाती है। पर पढ़ते भी पूजा में, जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, और तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर लहर की आ। तो ये तो सबको दुखी किए हुए, कोई भी नहीं ऐसा। देखो जिसको जो मिला है ना, उसको जो नहीं मिला है उसकी इच्छा है उसकी। तो अपनी आप ये सोच रहे हो, समझ लो कि ये चीज मेरे को मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जब वो मिल जाएगी तो फिर किसी और चीज की इच्छा हो जाएगी, इच्छा बनी रहेगी, इच्छा नहीं मिटने वाली। तो फिर कैसे नहीं, फिर मिटेगी नहीं तो फिर क्या उपाय है? वो दुखी रहेंगे हमेशा कि नहीं। एक उपाय है तास उपाय न आन, मतलब उसका और तो कोई अन्य उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय क्या है? ज्ञान है। ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान की मूसलाधार वर्षा करो इस अग्नि पे तो बुझ जाएगी। यदि ज्ञान की बरसात नहीं हुई तो ये अग्नि तुमको जला देगी। जैसे बरसात होती है वही अग्नि को बुझा सकती है, बरसात के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब जंगल में भयंकर आग लगती है तो आप कितने पानी डालने जाओ, जहाँ जहाँ पानी डालो वहाँ वहाँ और आग बढ़ती जाती है। उतने से पानी से कुछ नहीं होता उसका, भयंकर तेज रहती है आग। उसका एक ही उपाय रहता, भयंकर बारिश हो जाए खूब तेज जोर से तो फिर वो आग नहीं देती जाना। ऐसे ही ये विषयों की आग ऐसी है, हम कितने इसमें विषय की ईंधन डालें, कितने पानी डालें, उससे नहीं बुझने वाली। इसको बुझाने का उपाय है कि ज्ञान की घनघोर वर्षा करो। तो ज्ञान की घनघोर वर्षा होगी तो विषयों की इच्छा रूपी अग्नि अपने आप बुझ जाएगी, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। सारे जीव त्रस्त, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी क्या चाहिए, क्यों? ज्ञान नहीं है। अन्याय नीति के विषय चाहिए, सब चाहिए, ये भी चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। अरे भाई ये बताओ कि क्या इन विषयों से सुख हो जाएगा? क्या विषयों में सुख है भी जिसके लिए हम इतना दौड़ रहे हैं, इतना उसमें परेशान हो रहे हैं? तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयों की इच्छा को कोई रोकने में समर्थ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान रूपी घनघोर बरसात ही इस विषयों की इच्छा रूपी अग्नि को बुझा सकती है। देखो बच्चे भी होते ना, छोटे बच्चे, वो तत्व ज्ञान कुछ नहीं हो तो डिमांड बढ़ती है, मेरे को ये दिलाओ, मेरे को ये दिलाओ, मेरे को ये दिलाओ, मेरे को कुछ और चीज़ देख ले स्कूल के अंदर, मेरे दोस्त के पास में ये है, ये वाला बस्ता है, मेरा दोस्त के पास में ये है, तो बेटा उसके पास में ये है क्योंकि उसके पिताजी दो नंबर काम करते हैं, अरे क्या करते हैं, वो तो सब काम करते हैं। तो उसको समझाओ नहीं यदि तो वो बच्चे समझ में नहीं आती, उसको लगता है मेरे पिताजी जो है मेरा कुछ भी नहीं दे रहे मेरे, और वो बच्चा बागी बन जाता, मेरे पिताजी मेरे साथ कुछ नहीं करते, बस ईमानदारी की बात करते थे। क्या है इसमें ईमानदारी? दशावने वाले को देखो, बेईमानी से कितना मजे लूट रहे हैं और ये ईमानदारी की बात लेके बैठे हैं। पता नहीं कौन से जमाने के किस काम है इनका पैदा हो गया, भगवान उनका पैदा होता तो कितना अच्छा रहता है। क्या पिताजी भी कह रहा है सामने के सामने, क्या किया तुमने? बेटा तेरे को हम संस्कार दे रहे ना अच्छे सदाचार के, नैतिकता के। अरे नैतिकता एतिकता के जमाने में कुछ नहीं, मेरे को तो गाड़ी घोड़े ला के दिलाओ तुम, चाहे उसके लिए तुम खुद अंदर हो जाओ, कोई चिंता नहीं। कहते कि नहीं होते, कोई इच्छा का कोई अंत ही नहीं रहता उनका, और बेचारा पिताजी करता रहे, अभी एक चीज लेके आया, फिर दूसरी लेके आया, फिर तीसरी लेके आया, जुता रहता है हम्माल, जुता रहता है हम्माल, बेल बेल जाते जुता रहता है। वो सोच वो बड़ा सुखी होता, अपने को सुखी अनुभव करता, इनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, इच्छा कर रहा है, इच्छा कर रहा है। जब बहुत हो जाता है और किसी दिन उसको जब कुछ कोई इच्छा वो पूरी नहीं कर पाता है, जब उसको सुनने को मिलती है तब उसको सच्चा ज्ञान जागृत होता है, अरे मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। क्या वो ये चीज़ पहले ही वो समझ लेगी, पहले ही मेरे लिए, लेकिन वो ज्ञान कैसे आ जाए उसको, तो पहले तो आ ही नहीं सकता ना उसका, पहले तो उसको लगता है सब मेरे ही। दूसरी बात मैं तो खैर ये बता रहा था कि कोई भी जीव संसार में
संसार में किसी भी जीव के विषयों की इच्छा को बिना सम्यक ज्ञान के बुझाया ही नहीं जा सकता। अपन किसी को कितने नियम दिलवा दो, तुम्हारे अष्टमी के उपास उपास करने पड़ेंगे जाओ, तो यहाँ ले भी लेना वो उपवास, लेकिन कुछ भी उसको ज्ञान नहीं हो तो वो अपने सामने उपवास ले लेगा, नियम भी ले लेगा और जाके तोड़ देगा, अथवा अष्टमी चौदस को उपवास भी कर लेगा, बहुत कुछ हो गया तो लोगों ने बहुत प्रेशर बना दिया तो, या कुछ कर भी लेगा कोई चीज का, तो उसके आगे और पीछे विषयों में पूरी ताकत से प्रवृत्ति करेगा। तो वो कोई इच्छा है ऐसे अपने आप, जब तक हम किसी चीज को उसके गुण दोष नहीं बताएं और जब तक उसमें सुबुद्धि नहीं मिटे, तब तक कोई विषयों का त्याग व्याग किसी के नहीं होता। वो तो केवल एक जबरदस्ती उसको मार मार के मुसलमान बनाना है। जब उसको खुद को अंदर से लगे ऐसा कि इन विषयों में सुख नहीं है, तो वो खुद ही स्वयं ही छोड़ देता है, उसको कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और यूं अपन कहते रहो तू ये छोड़, ये क्या है, तू रात को खाता है, बंद कर, तो आलू प्याज खा रहा है, तो बाजार की चीज खा रहा है। अब वो उसकी खुद की विषयों की रुचि थोड़ी कम हो उसकी खुद की, और थोड़ा उसके लिए क्या है कि थोड़ा उसको ज्ञान का रस आए, आगम के अभ्यास का रस आए, जिनवाणी का रस आए, तत्व में रस आए, तो ये हो सकता है। और थोड़ा तत्व ज्ञान का अभ्यास करेगा तो उसमें आएगा कि भाई तेरे घर में जो बन रहा है भोजन, भोजन ही करना है, चार चीज़ें खानी है, मुँह में डालना है, पेट भरना है, तो वही खा लो, घर पर ही खा लो, घर का खाना खा लो, दिन में खा लो, मतलब वो चीज़ें अपने आप जिनवाणी के अभ्यास से सीखेगा। और यूँ हम किसी को जबरदस्ती किसी से कोई चीज़ कराएं, तो हम कितने ही करा लें लेकिन वो कुछ करने वाला नहीं। और अब तो पीढ़ी सुनती नहीं वैसे, वो तत्व ज्ञान का अभ्यास हो। जो बच्चे पाठशाला नहीं जाते ना, उनको आप कितने ही करवा लो कि उनसे रात्रि भोजन का त्याग या जमीकत का त्याग, बहुत मुश्किल है उनके वो त्याग। जो बच्चे पाठशाला से जाते हैं बचपन से सीखते हैं चीज़ें कि भाई इनमें दोष है, तो उनके उनका त्याग सहज होता है, उनके लिए कोई बड़ी बात होती नहीं। क्या है उसका कारण? ज्ञान नहीं होती उनको विषयों की इच्छा। अपन इस कुल में आए, जैसे जिस कुल में मध्यमास मधु के संस्कार नहीं, तो अपने को इच्छा होती क्या? क्यों? क्योंकि क्लास के बाद अपन सब पार्टी, ऐसे भाव होगी किसी को? क्यों? क्योंकि अपने उस जाति के संस्कार नहीं। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने बचपन से और अधिक तत्वज्ञान किया हो, उन्होंने अभ्यास किया हो बचपन युवावस्था में कभी भी, तो उसको और भी कई विषयों की इच्छा सहज बढ़ जाती है कि मेरे को भाव ही नहीं इस चीज का। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? मतलब ये केवल इसमें एक ही कारण है, कौन? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अभ्यास करे, तत्व को यथावत समझे, तो उसकी विषयों की रुचि संपूर्णतः नहीं भी हटती तो भी मंद अवश्य हो जाती। देखो, संपूर्ण रुचि का अभाव तो जब तक वो मुनि नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा, कुछ तो रुचि रहेगी। अनुव्रत भी ले लेगा तो भी रुचि रहेगी, और अभी तो आवृत्ति है, तो आवृत्ति है तो विषयों की रुचि होगी, लेकिन जो विषयों में सुबुद्धि है और जो उसके लिए जो तड़प होती है और जो दुखी होता है, वो दुख कम से कम उसका कम जरूर हो जाएगा। और जब तक जिनवाणी का अभ्यास नहीं होगा तब तक वो विषयों की उसको तड़प इच्छाएँ बहुत रहेगी, वो खुद ही दुखी रहेगा। और इसका उपाय, इससे क्या होता है कि दुख कम होता है, इच्छाएँ अपने आप कम होती, मंद हो जाती है, आकुलता भी कम होती है। जो जो विषयों की इच्छा कम होती है त्यों त्यों आकुलता कम होती है, जो जो आकुलता कम होती है त्यों त्यों अधिक सुख भाषित होता है, क्योंकि सुख का सीधा संबंध आकुलता से। तो इसलिए ये प्रेरणा दे रहे हैं दौलत राम जी आपको कि ज्ञान की घनघोर वर्षा करो, कि मेरे को इसकी इच्छा है, मेरे को इसकी इच्छा है, मेरे को इसकी इच्छा है, एक काम करो थोड़ा जिनवाणी मन लगाओ, तो अपने आप ये सब इच्छा दूर हो जाएगी। क्योंकि होता है कई लोगों के साथ, कई लोगों की आदत रहती है कि 8 से 9 सीरियल देखने की आदत है, लेकिन जिनवाणी सुनने आ गए उसमें मन लग गया तो वो अपने आप वो आदत खत्म हो जाती है। गप्पे लगाने की आदत थी तो इसमें लगा दिया आदत, तो खत्म। कोई ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ में अपना उपयोग जोड़ दिया तो बुरी चीज़ कहाँ जाती पता ही नहीं चलता। तो ये देखो, पढ़ता हूँ मैं इसका यार। दो बातें कही है इसमें, पहली दो पंक्तियों में तो क्या कहा, जितने जीव आज तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब एक सम्यक ज्ञान के कारण से जा रहे हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा, एक बात। दूसरी बात ये कही कि विषय के 4 रूपी अग्नि संसार के जीवों को, संसार के जीव रूपी जंगल को जला रही है, और उस अग्नि को बुझाने का एक ही उपाय है कि ज्ञान की घनघोर वर्षा करो, बस यही एक उपाय। ज्ञान ज्ञान ज्ञान।
कितना लिखा है यहाँ पे, और लोग फिर भी कहते ज्ञान से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये दौलत राम जी से पूछते ना, हमसे क्या पूछ रहे हो कि पढ़ने से क्या होगा, उनसे पूछते कि तुम तो कह रहे हो विषयों की इच्छा भी इससे मिट जाएगी, मोक्ष भी इससे, आज तक जितने तीन काल में मोक्ष गए हैं वो सब इससे ही गए हैं, तो वो तो सब में ज्ञान पे ही कह रहे हैं कि सब इसी से ही होगा सब कुछ, और तुम कह रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो इससे बिल्कुल उल्टी बात है। जान जान के क्या हो जाएगा स्कूल में भी, जान जान के क्या हो जाएगा, सीधे उसको इंजीनियर बनाओ ना, ले बेटा ये मशीन तो सीधे ही खोल इसको देख क्या होता है, डॉक्टर सीधे चीर फाड़ तो देख उसके अंदर क्या होता है, अपने आप दिख जाएगा सर दो चार खोलने का तो क्या, फिर डॉक्टरी करने की जरूरत क्या है, खोल दो मम्मी क्या है तुम्हारे में, तो पेट दुख रहा है, देखता हूँ क्या है, किया जाता है क्या इस तरह से लोक में, लोक में क्या करते हैं ज्ञान ही करते, और यहाँ के अंदर कहता है ज्ञान नहीं करना है, पहले खोलना है मेरे को, पहले खोलना है, पहले काम करना है, पहले कुछ करो तो करो, तो मैंने कहा कर लो पहले क्या करना है, क्या हर चीज का उपाय पहले उसको व्यवस्थित समझे और फिर करेगा तो सच्ची तरीके से करेगा, और बिना समझे यदि करने जाएगा तो और ऊर्जे पूर्जे खोल देगा, सारी मशीन टूट फूट जाएगी और अलग से इधर उधर बिखरे बिखरे हो जाएंगे, फिर वापिस जोड़ो ये नहीं आता क्या, और वहाँ तो ठीक है मशीन तो फिर भी अचेतन है, यदि आदमी आदमी में कुछ खोल खुल दिया तो खुद ही खुल जाएगा फिर अच्छे से, एक विधि है ये सब चीज़ों की, ऐसा तो ही नहीं, धर्म भी एक पूरी विज्ञान है, और धर्म इतना बड़ा विज्ञान है, और उस विज्ञान को इतना हल्के फुल्के रूप में लेके उन्हें तो करना चालू करो, करना चालू करो, क्या करना चालू करो, अन्वय अर्थ पूर्व काल में जो जीव मोक्ष में गए हैं जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी पुराने वन को जला रहा है, उसकी शांति का उपाय मैंने उसको बुझाने का उपाय दूसरा नहीं है, मात्र ज्ञान रूपी वर्षा का समूह ही उसको शांत करता है। भावार्थ, भूत वर्तमान और भविष्य तीन काल में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं होंगे और वर्तमान में विदेह क्षेत्र से मोक्ष हो रहे हैं बस सब सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। किन्होंने कहा ये, पूर्वाचार्यों ने कहा। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि वहां की समस्त वस्तुओं को भस्म कर देती है उसी प्रकार पांच इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है, दुख देती है, और जिस प्रकार वर्षा की झड़ी उस दावानल को बुझा देती है उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान उन विषयों को शांत कर देता है, विषयों को मतलब विषयों की इच्छा को शांत कर देता है, नष्ट कर देता है, ये सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। ये एक एक जरा तत्व ज्ञान का अभ्यास हो जाए तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा इनका पूरा जीवन यूं का यूं हो जाए पूरा का पूरा, तत्व ज्ञान के अभ्यास पलटने में देर नहीं लगती, अच्छे अच्छे पापी सुलट जाते हैं इससे, अन्य जैसे जीव एक जैसे अपन पढ़ते भी शास्त्र में मुनिराज का उपदेश सुना और उपदेश सुनते ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अनुव्रत धारण कर ली, शेर जैसे जीव ने मांस खा रहा था और मुनिराज का उपदेश सुना और छोड़ दिया सो सब, उपदेश सुन के तत्व ज्ञान हुआ उसको, भेद विज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन पूर्वक अनुव्रत धारण किए और मांस वास सब एक तरफ, कैसे हुआ वो सब, सम्य ज्ञान से सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। मुनिराज ने क्या दिया उसको, ये कहा हा ओम शेर खुल्ला करके आओ, ये क्या है हाथ धो क्या तो खड़े हो ऐसे, और अब हम तुमको सुनाते हैं, सुनो नमो अरिहंताण, क्या उपदेश दिया हुआ आपने सोचो कभी क्या, और अपने क्या अपन उपदेश देंगे, अपन अपनी बात कहाँ से चालू करते हैं, मैं तो कोई आदमी जरा सा ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए तो उसको पहले तो पहले उसको पूरा ठंड के अंदर भी मिला दे वहाँ पे ना, क्या अब आओ यहाँ बेटा अब तुमको बताते हैं हम क्या है, और फिर भी उसको उसके कल्याण की मूल बात नहीं बताएंगे, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर 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 घुमाते रहेंगे उसको बेचारे को पता ही चलेगा जिंदगी भर धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या क्या किया उन्होंने शेर को, क्या उपदेश दिया कभी विचार करो, जिसने शेर ने क्षण भर में इतना बड़ा काम कर दिया, शेर जैसा जीव शेर की हाथों में मांस के अलावा कुछ नहीं पचता,
घास खाना शेर के लिए मतलब आत्महत्या करना, और शेर ने उसको गले लगा ली घास खाने। शेर जैसे तिर गए तो वो सब उसको ज्ञान हुआ ना कुछ उसके दिमाग में, क्योंकि शेर कोई नकली काम नहीं करता कि अरे अपनी इंसानों में बहुत रेपुटेशन पड़ जाएगी, लोग कहेंगे शेर को याद करेंगे फिर ऐसा भी एक शेर हुआ है जिसने ऐसा त्याग कर। शेर वे कोई जो काम करते ना त्रियंश लोग, त्रियंशों का धर्म पूरा ईमानदारी का होता है, त्रियंश कुछ भी धर्म में बेईमानी नहीं करते, दिखावे के लिए नहीं करते। किनको दिखाएगा शेर, किसको दिखाएगा, किनको दिखाएगा शेर, हाथियों को कि अपने शेरों को, किनको, वहाँ कोई ऐसा चक्कर ही नहीं वहाँ कि वहाँ कोई किसी के जुलूस निकल गए कि चलो इस शेर ने उपवास किया इसका जुलूस निकल गया चक्कर वो जुलूस में जाएगा कौन जुलूस में कौन जाएगा शेर के जुलूस में, तो वहाँ कोई चक्कर नहीं। और अपने बहुत चक्कर अपने अपने बहुत सारे धर्म के अनुष्ठान अपने दिखावटी होते हैं, तो इसलिए विचार करो कि शेर ने ऐसा क्या उपदेश सुना। तो शेर ने एकमात्र भेद विज्ञान का उपदेश सुना कि अरे शेर कि जिस देह में रह रहा है वो देह भिन्न है और तू भिन्न है, तूने तूने पांच तो नारायण जैसे भोग भोग के भी तृप्त नहीं हुआ, अब क्या तृप्त होगा नरक में, तो इतने दुख भोग के आया। उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है एक्चुअली, नारकियों को उस शेर को जाति स्मरण ज्ञान, मैंने पूर्व भाव में ये था पूर्व भाव में ये था, तत्काल समझ जाता है कि अरे ये आत्मा इतने काल से भटक रहा है, और ये आत्मा तो वास्तव में ना शेर है ना ये आत्मा नारकी होता, आत्मा तो बिल्कुल भिन्न है। जैसे इसको पूर्व भाव का ज्ञान होता है तो उसको देव और आत्मा की भिन्नता का बोध हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, अब वो अपने को मूल काम करना चाहिए क्या, ये सब तो सब उसका देखो, ये जितने भी है ना ये सब मेन चीज़ यही है कि जीव के दिमाग में भेद विज्ञान उतर जाए, चाहे वो नहा के उतरे चाहे बिना नहाए उतरे। अपने को मेन तो उसके उसके चित्त में तत्व ज्ञान बिठाना है, उसको कोई निलाना धुलाना अपना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि निलाना धुलाना ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब देख ही है। मेन चीज़ तो ये कि उसके ज्ञान में बात आ जाना चाहिए, क्या बात कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, उसके ज्ञान में बात आ गई तो समझ लो उसका कल्याण हो गया, उसके ज्ञान में बात नहीं आई हमने सब कुछ बाहर उसका कर भी लिया कि सारा बेटा तू नहा धो के आ और ये कर वो कर, कर लिया उसने लेकिन उसके चित्त में नहीं जमी, चित्त में नहीं जमी तो वो काम नहीं होगा। सुनना है ना, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये देखो ऋषियों की इच्छा जो है तत्काल शेर की मिट गई, बहुत जीवों की त्रियंशों में कितने उदाहरण है, पुराण पढ़ो तो ऐसा लगता है कि त्रियंशियों ने ज़्यादा कल्याण कर लिया, मैंने पूछ वाले तुर गए और मूछ वाले मूछ पे ताव ही देते रह गए, अपना एक दो और बचा अपन कल करेंगे और फिर ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। कौन सा प्रकरण, सम्यक ज्ञान का, फिर क्या चलेगा सम्यक चाहित का वर्णन चालू हो जाएगा, सम्यक चाहित माने एक देश सम्यक चाहित, तो आधी ढाल और बचेगी अपनी, अब आधी ढाल में एक देश सम्यक चाहित का वर्णन होगा और फिर अपनी एग्जाम होगी, अभी है अभी थोड़े से दिन, लेकिन अब जो वर्णन चलेगा वो अपन पढ़ चुके हैं, शावक के 12 पद पढ़े थे कि पढ़े थे, किस किस को याद है, किसको याद है शावक के 12 पद, खड़े करना हाथ अच्छे से, हाथ ही यूं 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 पता नहीं चला हाथ खड़ा भी कर रहा है कोई, कितना अच्छे से ही बढ़िया हाथ खड़े कर दो, उसमें क्या है, एक दो तीन, शावक के 12 पद नहीं पता, अच्छा आप थे पढ़ते समय ना, और कौन थे शावक के 12 पद भूल गए पाठ में से, क्यों उर्वी याद नहीं है, आप लोगों ने एग्जाम दिए आपको याद है ना, हमने पढ़े थे सब विस्तार से, बताओ कौन बताएगा 12 व्रत, चलो कौन बताएगा, किसको याद है ये विधि एग्जाम के टाइम में लिख, हाँ 12 तो बता दें कुल, और किसको याद है, देखो याद नहीं अभी इसको भी, और किसको, हाँ याद है दिव्य दिव्या क्या है, तीन गुणव्रत आएंगे फिर चार शिक्षा व्रत आएंगे, पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत, बताओ पांच अणुव्रत के नाम किसको याद है, बताओ क्या वहाँ नाम है, रौनक
सत्य के बाद चोरी करना चाहिए सत्य बोल के, अचौर्याणुव्रत, फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत और अंतिम परिग्रह परिमाणुव्रत, पांच अनुव्रत। तीन गुणव्रत के नाम किसको याद है बताओ? चलो बताओ विधि। हाँ, चार शिक्षा व्रत के नाम याद है भाभी जी आपको? बता दे। बस चार, ये 12 व्रत पढ़े हैं अपन, इसलिए मैंने कहा कि अपने जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अब लग नहीं रहा कि जल्दी होएंगे।